नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, इस क्लास में हम लोग जानेंगे आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। कुछ महामारी दी हैं और उनका विश्व की राजनीति पर या विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा है उन्हें भी देखेंगे। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि आखिर अभी ये चर्चा में क्यों है, इसका एक परिचय देख लेंगे। तो इसमें देखेंगे रिकॉर्डेड पैंडेमिक एंथेक्स पर 430 ईसा पूर्व में हुआ था, उसे देख लेंगे। फिर देखेंगे जस्टिनियन प्लेग, फिर ब्लैक डेथ को देखेंगे, स्पेनिश फ्लू को भी देख लेंगे, जो अभी COVID-19 है इसे भी देख लेंगे। ठीक है, तो याद रखिए कि इस समय विश्व को कोरोना वायरस के कारण महामारी का सामना करना पड़ रहा है, जो विश्व राजनीति पर कुछ बदलाव करता दिखाई दे रहा है। विश्व राजनीति के साथ साथ क्षेत्र की राजनीति को आकार देने में महामारियों का बहुत प्रभाव रहा है। 6वीं शताब्दी के जस्टिनियन प्लेग से लेकर हाल के कोरोना संक्रमण के प्रसार तक महामारी सामाजिक राजनीतिक संरचना के साथ साथ विभिन्न देशों की सैन्य शक्तियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। बात करते हैं रिकॉर्डेड पेंडेमिक एंथेक्स पर 430 ईसा पूर्व सबसे पहले दर्ज की गई महामारी पेलोपोनिसियन युद्ध के दौरान हुई थी, जब लीबिया, इथोपिया और मिस्र को पार कर स्पार्टन्स ने एथेनियन दीवारों को पार किया। इस दौरान एंथेंस में दो तिहाई लोगों की मौत हुई थी। इस महामारी लक्षणों में बुखार, प्यास, खूनी गले, जीभ, लाल त्वचा और घाव शामिल थे। टाइफाइड बुखार के कारण होने वाली इस बीमारी में एथेनियंस को काफी कमजोर कर दिया गया। स्पार्टन्स द्वारा उनकी हार का एक महत्वपूर्ण कारक था। बात करते हैं जस्टिनियन प्लेग 541 से 542 ईस्वी में 750 तक पुनरावृत्ति के साथ, ये पहले आया आपका 541 से 542 ईस्वी में, फिर उसके बाद पुनरावृत्ति हुई इसकी 750 ईस्वी में। एक महामारी थी जिसने बीजांटिन यानी कि पूर्वी रोमन साम्राज्य और विशेष रूप से इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपोल टोपल के साथ ही सासेनियन साम्राज्य और पूरे भूमध्य सागर के आसपास के बंदरगाह शहरों को पीड़ित किया था। व्यापारी जहाजों में चूहों से प्लेग का संक्रमण हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जस्टिनियन का प्लेग इतिहास में सबसे घातक महामारियों में से एक था, जिसके परिणाम स्वरूप पुनरावृत्ति के 2 शताब्दियों के दौरान अनुमानित 25 से 100 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। वो समय यूरोप की आधी आबादी के बराबर थी। प्लेग का नाम तत्कालीन बीजांटिन सम्राट जस्टिनियन के नाम पर रखा गया था। 2013 में शोधकर्ताओं ने पहल की अटकलों की पुष्टि की कि प्लेग ऑफ जस्टिनियन का कारण एयरसिनिया फेस्टिस था। वही जीवाणु ब्लैक डेथ आपका 1347 से 1351 के लिए जिम्मेदार था। उत्तरार्ध में इसका प्रभाव बहुत कम था, लेकिन फिर भी एक तिहाई यूरोपीय लोगों की एक मौत हुई थी हो गई थी इसे। ग्रामीण इलाकों में प्लेग के परिणाम स्वरूप किसान फसलों की देखभाल नहीं कर सके और कॉन्स्टेंटिनोपल में अनाज की कीमत बढ़ गई। जस्टिनियन ने कार्थेज के क्षेत्र में वेंडल्स और इटली में ऑस्टोगोथ्स राज्य के खिलाफ युद्ध के लिए भारी मात्रा में धन खर्च किया। उन्होंने हागिया सोफिया जैसे महान चर्चों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण धन समर्पित किया।
जैसा कि साम्राज्य ने परियोजनाओं को वित्त पोषित करने का प्रयास किया, परंतु प्लेग भारी मात्रा में मौतों और कृषि व्यापार के विघटन के माध्यम से कर राजस्व में गिरावट का कारण बना। जस्टिनियन ने पीड़ितों के मरने के परिणाम स्वरूप विरासत में प्राप्त होने वाले सूट की चमक के साथ अधिक कुशलता से निपटने के लिए तेजी से नया कानून बनाया। प्लेग ने कॉन्स्टेंटिनोपल को उस समय प्रभावित किया जब बीजेंटिन साम्राज्य जस्टिनियन के शासन के तहत अपनी शक्ति के शिखर पर था। साम्राज्य ने इटली, रोम और उत्तरी अफ्रीका के सहित ऐतिहासिक रूप से रोमन भूमध्यसागरीय तट को जीत लिया था। प्लेग अलग अलग लहरों में वापस आया। अंत में साम्राज्य को कमजोर करने के बाद 750 ईस्वी में समाप्त हो गए। बीजेंटाइन सेना बीमारी के प्रसार के कारण नए सैनिकों को भी की भर्ती करने, युद्ध के मैदान में सैन्य आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही। तब उनके प्रांत हमले में आ गए। जब प्लेग गायब हुआ तब तक साम्राज्य यूरोप में जर्मन भाषी फैंस और अरबों अरबों से मिस्र और सीरिया के तक के क्षेत्र खो चुका था। फिर आती है आपकी ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ बुबोनिक प्लेग की विनाशकारी वैश्विक महामारी थी जिसने मध्य 13 के दशक में यूरोप और एशिया को दहला दिया था। अक्टूबर 1947 में प्लेग यूरोप में आया जब काला सागर से 12 जहाज मैसिना के सिसली बंदरगाह पर डॉक किए गए। जहाजों में सवार अधिकतम नाविक मृत थे और जो अभी भी जीवित थे वे गंभीर रूप से बीमार थे और काले घोड़े में ढके हुए थे जो रक्त और मवाद को बहाते थे। सिसिलियन अधिकारियों ने जल्दबाजी में मौत के जहाजों के बेड़े को बंदरगाह से बाहर करने का आदेश दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले 5 वर्षों में ब्लैक डेथ यूरोप में 20 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु का कारण बनी, जो महाद्वीप की आबादी का ये कितना था, यूरोप महाद्वीप की आबादी का लगभग 1/3 था। 20 मिलियन लोग। स्टैनफोर्ड के इतिहासकार वाल्टर सेहेल के शब्दों में महामारी असमानता आशंका के 4 घुड़सवारों में एक है, अन्य 3 युद्ध, क्रांतियां और राज्य की विफलता है। ब्लैक डेथ से सर्पों और खेतीहार मजदूरों के लिए मजदूरी में सुधार हुआ। श्रम के सापेक्ष भूमि की अधिक विषुर हो गई। लाखों मेहनत कसों की मृत्यु के बाद यूरोप के कुछ हिस्सों में श्रम की मांग बढ़ने पर मजदूरी दिगुनी हो गई। ब्लैक डेथ का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव शायद कैथोलिक चर्च का कमजोर होना था। चर्च किसी भी अन्य संस्था की तरह असहाय था क्योंकि प्लेग पूरे महाद्वीप में जंगल की आग की तरह फैलता था और इसने चर्च और पादरी में लोगों के विश्वास को हिला दिया। जबकि चर्च एक शक्तिशाली संस्थान के रूप में बना रहेगा, यह प्लेग के प्रकोप से पहले कोई कभी भी उस शक्ति और प्रभाव को संकेत नहीं कर सका था जिसका चर्च ने उपभोग किया था। 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट सुधार चर्च को और कमजोर कर यूरोप में पुनर्जागरण का द्योतक सिद्ध हुआ। फिर आपका स्पेनिश फ्लू जिसे 1918 में फ्लू महामारी के रूप में भी जाना जाता है, एक असामान्य रूप से घातक इन्फ्लुएंजा महामारी था। जनवरी 1918 से दिसंबर 1920 तक चली है। इसमें 500 मिलियन लोगों को संक्रमित किया, जो उस समय दुनिया की आबादी का 1/4 था। मरने वालों का अनुमान 17 मिलियन से 50 मिलियन तक कहीं भी है। यह मानवाधिकार इतिहास में सबसे घातक महामारियों में से एक है। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण
के दौरान स्पेनिश फ्लू प्रकोप का एक बड़ा प्रभाव युद्ध के परिणाम पर था। मनोबल बनाए रखने के लिए प्रथम युद्ध की सेंसर ने जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में बीमारी और मृत्यु दर की शुरुआती रिपोर्टों को कम से कम किया। समाचार पत्र तटस्थ स्पेन में महामारी के प्रभावों की रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र, जैसे कि किंग अल्फोंसो 13 की गंभीर बीमारी, और इस इन कहानियों में विशेष रूप से हार्ड हिट के रूप में स्पेन की झूठी छाप बनाई। इससे स्पेनिश फ्लू नाम को जन्म दिया। हालांकि दोनों तरह से फ्लू हुआ, जर्मनों और ऑस्ट्रेलियाई लोग इतनी बुरी तरह से प्रभावित हुए कि प्रकोप ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया। जर्मन जनरल एरिच लुडेंडोर्फ ने अपने संस्करण में लिखा कि जर्मन की हार का एक कारण फ्लू था। जर्मनी ने मार्च 1918 में पश्चिमी मोर्चे पर अपना स्पेन आक्रामक शुरू किया। जून और जुलाई तक बीमारी ने जर्मन इकाइयों को कमजोर कर दिया और 11 नवंबर 1918 को हस्ताक्षर किए गए युद्ध विराम ने युद्ध को समाप्त कर दिया। लेकिन फ्लू कई और महीनों तक दुनिया के कुछ हिस्सों को प्रभावित करता रहा। फिर आता है आपका कोविड-19। कोविड-19 के लिए अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि यह विश्व को कैसे प्रभावित करेगा, परंतु इस प्रकोप ने लोकतांत्रिक, फिर चाहे आपका तानाशाही हो, दोनों देशों को देखा है, जो लोगों के आवागमन पर कठोर प्रतिबंध लगा रहा है। पश्चिमी दुनिया इस महामारी के केंद्र में है। इसने विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रासंगिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यह वैश्विक वैश्वीकरण के सिद्धांत को वापस लेने का कारण हो सकता है। यह विश्व राजनीति में प्रमुख शक्ति परिवर्तन भी उत्पन्न कर सकता है। यह संपूर्ण विश्व में एक नकारात्मक आर्थिक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। आगे की राय देख लेते हैं। विश्व महामारियां अलग अलग समय में संपूर्ण विश्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं और वे न केवल स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं बल्कि विश्व राजनीति में बदलाव में भी भूमिका निभा सकते हैं। तो ये थे कुछ आपकी महामारी, ठीक है।